मुरैना कांग्रेस के विधायक राकेश मावई ने टिकट कटने के बाद पार्टी से नाराजगी जताई है और कमलनाथ से प्रश्न करते हुए पूछा है कि आखिर मेरा क्या कसूर था जो मेरा टिकट काटा गया है, और कहा कि जब 2020 में कमलनाथ की सरकार गिरी तो पूछा कि मेरा कसूर क्या है, इसलिए मैं आज पूछ रहा हूं कि मेरा कसूर क्या है, आखिर मेरा टिकट क्यों काटा है, क्या मैं उपचुनाव जीत कर नहीं आया, या मैंने 2018 में 6 सीटें जीत कर नहीं भेजी थी, क्या यह मेरे कांग्रेस में 12 साल काम किया उसका फल है। मैं NSUI से निकला हुआ कार्यकर्ता हूं, अगर मुरैना MLA था, मैं केवल अकेला था और MLA तो और किसी पार्टी से निकले हुए थे। यहां से श्योपुर तक लोकसभा में आखिर मुझसे गलती क्या हुई, आखिर मुझे बताते तो सही क्या हुआ है, और मेरी ये गलती थी कि मैं पार्टी का सिपाही था या पार्टी का कार्यकर्ता था या किसी नेता का मुझ पर हाथ नहीं था, क्या कारण रहा मुझे कम से कम ये तो बताएं कि मेरी कहां गलती हुई। वहीं कमलनाथ को चेतावनी देते हुए कहा कि मैं और मेरा कार्यकर्ता जब तक पार्टी के लिए काम नहीं करेगा तब तक कमलनाथ मेरा कसूर नहीं बता देते। वहीं नेता प्रतिपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि यहां जो नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का हस्तक्षेप हुआ है जिसके कारण कांग्रेस पार्टी यहाँ कमजोर हुई है। उन्होंने कहा कि अगर एक घर में ही रहकर एक को ज्यादा और एक को कम दिया तो उस घर का नुकसान होता है। आज ये पार्टी एक घर है और एक परिवार है, और आज अलग अलग कार्यकर्ताओं में आपने भेदभाव किया तो निश्चित तौर पर पार्टी का नुकसान होगा। देखिए मैंने उनसे कहा था, उन नेताओं से कहा जो कमेटी में बैठे कि दिल्ली भोपाल में पकड़ दिनेश गुर्जर की हो सकती है लेकिन क्षेत्र में पकड़ नहीं है, क्योंकि मैंने दिल्ली भोपाल नहीं देखा, मैंने तो क्षेत्र ही देखा है। क्षेत्र में ही मैं सबको जानता हूँ, सब मुझे जानते हैं, मैं तो आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, दिल्ली वहाँ के नेताओं से मैंने देखा, पर क्षेत्र मैं वही तो कह रहा हूँ, वही सब चीज के मुझे तक कोई कारण दिख ही नहीं रहा है। मेरी पूरी जीवन में कोई निगेटिव पॉइंट भी नहीं है, मेरी पूरी जीवन की तस्वीर सामने है, फिर कमी कहाँ रही? कमी रही कि मैं कांग्रेस का सिपाही था, मैं किसी नेता का व्यक्ति नहीं था। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि मैंने बहुत उनको निवेदन किया लेकिन वो अड़ गए कि नहीं मुझे तो ये चाहिए, नहीं तो मैं छोड़ के जा रहा हूँ, आप लड़ाइए चलाओ। वाह, कांग्रेस इतनी ताकत, एक सीट के लिए पूरी मध्य प्रदेश को छोड़ इस टिकट वितरण को लेकर ये मुझे कोई जानकारी नहीं है कि क्या रणनीति बनाई गई है क्या नहीं बनाई, पर मैं ये कहता हूँ कि निश्चित तौर पर कांग्रेस बहुमत की ओर थी और मुरैना जिले से हम 6 की स्थिति में थे, आज इनको तो हारना ही है, सारी जनता चिल्ला रही है। आदरणीय कमलनाथ जी से मध्य प्रदेश के चीफ हैं हमारे, मेरा कसूर क्या, क्या मेरा ये कसूर था कि मैंने उपचुनाव जीता, पार्टी की साथ को बरकरार रखा और हेडक्वार्टर से, क्या मेरा ये कसूर था 12 वर्ष में कांग्रेस की जिलाध्यक्ष के रूप में मैंने जिले में कार्य किया और मैंने मेहनत कर कार्यकर्ताओं की दम पर 6 की 6 सीट जिताई जिससे कमलनाथ जी कांग्रेस सरकार बनी और वो मुख्यमंत्री बने, क्या ये मेरा ये कसूर था कि मैं कांग्रेस का इकलौता विधायक, मुझसे कहा गया कि तुम्हारा हो रहा है, और मध्य प्रदेश की जब स्क्रीन कमेटी हुई उस स्क्रीन कमेटी में मेरा नाम आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने रखा और सर्वसम्मति ने सब लोगों ने उसको आगे बढ़ाया, लेकिन वहां जाके नेता प्रतिपक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने क्या साठ गांठ के एक दूसरे की सीट को लिया और मेरी बलि चली। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट।